देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में अब खबर सामने आ रही है बेतालघाट से, जहां बीती रात बेतालघाट के थानाध्यक्ष को हलसो कोरट बेतालघाट की ग्राम प्रधान रेणु द्वारा सूचना दी गई कि मेरे सास ससुर और देवर मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं, जिसके बाद सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए थाने से पुलिस टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर महिला ग्राम प्रधान की सास ससुर और देवर को काफी समझाने का प्रयास किया गया, परंतु ग्राम प्रधान रेणु के ससुराल पक्ष द्वारा पुलिस के सामने ही ग्राम प्रधान रेणु के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हुए बाल पकड़कर घसीटने लगे, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस टीम द्वारा ग्राम प्रधान का बचाव किया गया तो ससुराल पक्ष के पुलिस के कार्यों पर बाधा उत्पन्न कर पुलिस के साथ भी अभद्रता करने लगे, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई कर ग्राम प्रधान की सास ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही पुलिस टीम द्वारा पीड़िता रेणु को मौके से रेस्क्यू कर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल बेतालघाट में भर्ती कराया गया और अब पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है।